Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you'll never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @thelittlechristine123. There, I share the live updates of whatever and what I see. Now I'm gonna try the food from the Indian section, and here I've got papad. Yeh hai roasted urad dal papad. Yahan pe rajma rasile, and this is the mutton mushroom. Yahan pe hai khira and a slice of lemon. और यहाँ पे चिकपी सैलड, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैं दोबारा ले आई. दिस इज़ द ज़ीरा आलू और ये है कढ़ाई पनीर. तो ये मैं थोड़ा सा ले आई, यूजुअली मैं लाती नहीं हूँ, मगर चूँकि ना आज यहाँ पे स्कीम राइस थे तो मैंने सोचा ब्रेड्स ऑर्डर करती हूँ. और फिर मैंने सोचा कि ब्रेड्स ऑर्डर कर ही रही हूँ तो फिर पनीर की डिश भी ले आती हूँ, ट्राई कर लूँगी ब्रेड्स के साथ. वैसे नान में मैंने ऑप्ट किया है गार्लिक बटर नान. आ भी गए यहाँ पे. काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है. मैंने एक बड़ी पूरी वाली फ़ोटो ले लेती हूँ, बिकॉज़ पहले मैंने खाली इस प्लेट की ली थी तब नान आया हुआ नहीं था. तो हियर इज़ द गार्लिक बटर नान. सबसे पहले इसे ट्राई करूँगी बिकॉज गरम गरम अच्छा लगेगा. ये इट लुक्स रियली बटरी क्रिस्पी और एकदम पतला सा है. मैंने एक ही पीस लिया बिकॉज इससे ज़्यादा ना फिर वेस्ट होता, बाकी चीज़ें भी खानी है. सबसे पहले मैं इसे पनीर से ट्राई करूँगी. हाथ गंदा हो जाता है नान खा के, बस यही ड्रॉबैक है इसे खाने का, वरना तो टेस्टी लगता है. कढ़ाई पनीर इज़ रियली फ्लेवरफुल. थोड़ी सी मीठी है बट आई गेस इस डिश के अंदर डलती होगी चीनी. और पनीर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्रीमी है. नाउ आई एम गोना टेक अनदर बाइट. और इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ मटर मशरूम के साथ. मशरूम यहाँ पे यूजुअली मैंने देखा है कि होता ही है इंडियन डिश में भी और कॉन्टिनेंटल में भी, इन्हें पसंद है मशरूम बनाना. ये डिश भी अच्छी लग रही है. ये ना खोया की ग्रेवी लग रही है. ऐसा लग रहा है कि बेसन खोया और दही को मिक्स करके चिप्सी ग्रेवी बना रखी है. कढ़ाई पनीर से काफ़ी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रेवी में सब बना दिया हो. और ये ग्रीन पीस भी बहुत फ्रेश है, एकदम मीठे से. मशरूम तो है ही इनका जूसी, तो अच्छी लग रही है डिश भी. कढ़ाई पनीर से ज़्यादा अच्छी है बिकॉज ये स्पाइसी भी है थोड़ी. नाउ आई एम गोना ट्राई दिस विद राजमा. मैं होप कर रही थी कि आज यहाँ दाल मखनी हो बिकॉज फ्राइडे है, बट राजमा था यहाँ पे. चलो कोई बात नहीं, दाल तड़का से तो बेटर है. ये कश्मीरी राजमा है, ग्रेन साइज देख के मैं बता सकती हूँ. मुझे ना वो वाले राजमा पसंद है जो बहुत लंबे लंबे से होते हैं ना, ब्लैक कलर के. मेरे को नहीं पता उस वेराइटी को क्या कहते हैं, आपको पता हो तो कॉमेंट्स में बताना. राजमा भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टैंगी है. इसमें ना इन्होंने बहुत सारा टमाटर डाल रखा है मगर अच्छा लग रहा है. गरम मसाला का भी स्ट्रॉन्ग अरोमा आ रहा है. प्याज है इसमें मगर बहुत थोड़ा सा, तो ना उसका फ्लेवर बहुत हल्का हल्का आ रहा है. इस समय से मेरा फेवरेट था मटर मशरूम, और मेरे को लगा नहीं था कि ये मेरा फेवरेट होगा मगर है, क्योंकि कुछ ज़्यादा स्पाइसी है. पनीर और राजमा थोड़े मीठे मीठे से हैं. अभी आलू की डिश भी ट्राई करती हूँ.
ना मैंने खाया था जीरा आलू। जीरा आलू मेरा फेवरेट तो नहीं है मगर यहाँ का अच्छा होता है, मैंने खाया हुआ है बहुत बारी। पोटैटो इज परफेक्टली कुक, मशी नहीं है, कच्चा कच्चा भी नहीं है। इसमें बहुत सारा हींग डाला है इन्होंने तो उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। इसमें ना ये थोड़ा चाट मसाला वगैरह डालते तो ये थोड़ा खट्टा हो जाता, बेटर लगता वैसे, मगर ऐसे भी सही लग रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक समोसा की स्टफिंग, तो अच्छा है ये भी। ये वाली डिश तो मैं ऐसे स्नैक की तरह खाऊंगी बिकॉज नान के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं और राइस के साथ भी नहीं बनेगा। अरे एक कॉम्बिनेशन तो मैं ट्राई करना भूल गई, वो है राजमा राइस का, क्लासिक कॉम्बिनेशन है तो आई हैव टू ट्राई इट। आज यहाँ पे स्टीम राइस के मेरे को जीरा राइस या वेज पुलाव ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। राजमा ना थोड़े और कम हो सकते थे, मतलब अब भी कच्चे नहीं है मगर मेरे को मशी मशी राजमा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यार गाइस खाना तो अच्छा है ना, वो ना फिनिश ऑल दिस एंड मीट यू विद द डिजर्ट्स। नाउ आई एम गोना ट्राई द डिजर्ट्स और यहाँ पे रबड़ी जलेबी। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, यूजुअली यहाँ पे होता नहीं है तो मेरे लिए आई। वैसे जलेबी मेरी फेवरेट नहीं है बिकॉज ज़्यादा ही मीठी लगती है, पर सुंदर सी लग रही थी इसलिए ले आई। और यहाँ पे मूंग दाल हलवा जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यूजुअली यहाँ का हलवा मेरे को पसंद नहीं है बट इट लुक्स रियली गुड टुडे। जलेबी ट्राई करूँगी मैं, फोर्क से खा रही हूँ जलेबी, आई रियली होप कपड़ों पर ना गिरा लूँ मैं, और नो मेरे को तो डर लग रहा है। ओके आई एम मेकिंग अ मैस राइट नाउ, पर चलो अच्छा है प्लेट में ही गिरी है, कपड़ों पे नहीं गिरी अभी तो, बट गिर जाएगी अगर मैं ऐसे करती हुई तो। अनदर ट्राई, जलेबी इज क्वाइट क्रिस्पी और रबड़ी भी अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा थिक एंड क्रीमी है रबड़ी इनकी। तो हाँ मेरे को रबड़ी जलेबी अच्छी लगी। नामन फायदा मूंग दाल हलवा, इसके ऊपर हमने आमंड्स भी डाल रखे हैं, देसी घी में बना हुआ है, आई कैन टेल बाय द अरोमा। घी घी में ही बनता हलवा दो तो हाँ घी में ही बना हुआ है। मूंग दाल को अच्छे से भून रखा है इन्होंने और ना कोटली ग्राइंड किया है तो बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है उसका, टोटली लविंग इट। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ जलेबी अच्छी थी या हलवा, दोनों ही अच्छे हैं। अ लॉट ऑफ यू गाइस वॉच माय वीडियोस बट डू नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट इन क्रिएटिंग मोर सच वीडियोज़।